दोस्तों जय हिंद। बहुत ही गजब का जगह। मैं अभी हूँ चरखा म्यूजियम में। कहाँ पर? पालिका बाजार सीपी में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदपूर्वक आपको देगा, कि मैं इसे बहुत कुछ दिखाया है जो अंदर म्यूजियम में कौन कौन चरखा है वो सारे कुछ आपको मैंने दिखाया है। तो वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इस तरह की चीज़ ही मैं आपको अलग एरिया में अलग अलग म्यूजियम जो भी जहाँ होगा वो दिखाऊंगा, कैसे पहुंचेंगे वो भी दिखाऊंगा। आप यहां पर आ सकते हैं दिल्ली मेट्रो से एकदम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतरकर, बारहखंबा भी उतर सकते हैं, राजीव चौक भी उतर सकते हैं, और वहां से पालिका बाजार की तरफ आएंगे तो पालिका बाजार के ऊपर में यही है। चलिए तो पूरा वीडियो देखिए अंत तक, धन्यवाद। मैंने 20 रुपये का टिकट लिया है और ये म्यूजियम का टिकट है, और साथ में एक रुमाल दिया गया है। यही अगर आप जाके लेते हैं खादी इंडिया में तो आपको ये पड़ेगा 20 रुपये का, सॉरी 60 रुपये का। तो हमें ये देख लीजिए आप, ये देखिए हम अभी खादी ग्राम, सॉरी ये लिखा हुआ है खादी नहीं हेरिटेज चरखा म्यूजियम पालिका बाजार पार्क ऑपोजिट खादी इंडिया आउटलेट कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, 20 रुपये का टिकट है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं अभी तो अकेले आया हूं, लेकिन आपको दिखाएंगे सामने। देखिए ये पे यहां घूमने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। आप भी लेके आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले खादी इंडिया का जो मैंने दिखाया था वो नीचे ही बिल्डिंग, वहाँ से मैं इस पर आया था, जो मैं पहले वीडियो में आपको दिखाया होगा, सामने रिगल वगैरह है। तो ये म्यूजियम है, इस म्यूजियम पूरा हम करेंगे, मजा करेंगे। लेकिन ये देखिए चरखा एकदम बना के दिया गया है। आप देखिए इस तरह के वीडियो जो दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल पालिका बाजार के ऊपर बना हुआ है। पालिका बाजार नीचे है, और ये देखिए ये बिल्कुल, देखिए ये जो चरखा हुआ करता था गांधी जी का चरखा, वह चरखा है। और देख रहे हैं यहाँ पे कम लोग आते हैं क्योंकि टिकट लगता है, मैंने टिकट लिया हुआ है, 20 रुपये टिकट है। और टाइमिंग इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कितना देर आपको रहना है, इसका मतलब आप यहाँ पे जितना देर मर्जी उतना देर रहें, लेकिन लोग ज़्यादा रहते नहीं है कि वो रह के करेंगे क्योंकि आगे भी जाना होता है। आपने देखा एक चरखा, तो चरखा मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास किया, अच्छा लगा, और आप भी इसको इन्जॉय करें। और साथ में हमें यहाँ पे दिया गया एक रुमाल जो खादी का रुमाल होता है, और हम एंजॉय कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, कि मैं अकेले आया हूँ, फैमिली के साथ होने पर अलग ही मजा है, आएंगे किसी दिन। और यहाँ पर है मेक इन इंडिया का जो आप देखते हैं लोगों को, बड़ा सुंदर सा लोगों बना हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको बाहर का ही सीन दिखा रहा हूँ, लोग यहाँ बैठे हुए हैं बस, ये थोड़ा सा अब अंदर भी जाना अलाउ है कि वो जब देखते हैं, अंदर भी चलते हैं। और सामने कुछ शूटिंग चल रहा है मेक इन इंडिया वाले पे, इसलिए मैं इन पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ वीडियो बनाऊँगा। ये है मेक इन इंडिया का वीडियो, देखें आप, है ना, इस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ आपने, मैं चरखा देखा था, चरखा इज ए सिंबल ऑफ आवर ग्लोरियस हेरिटेज एंड एन एस्पायरिंग रिमाइंडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल लीड बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। मतलब हमें वो अगर चरखा से हमें उनका याद दिलाते रहता है, और ये बात भी सही है, होना भी चाहिए, और हम सबको उनके बलिदान को भूलना कभी नहीं चाहिए। और देश आजकल ये सब कुछ भूल रहा है। और ये देखिए मेक इन इंडिया का पूरा लोगो, सामने हमारे भारत का फ्लैग झंडा जो आप देख रहे हैं। चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर, फिर यहाँ बैठेंगे, कुछ अपना भी वीडियो हम साथ में लेंगे। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर में क्या क्या यहाँ पर है। आपको यहाँ पर जूते चप्पल उतारना होगा, तो ये अपना उतार के फिर आप अंदर जा सकते हैं। चलिए हम एंट्री करते हैं और आ गए हम म्यूजियम के अंदर। दोस्तों क्या अच्छा सा सीन है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जो बाहर जो दिखा अंदर भी अलग तरह का आनंद है। दोस्तों टीवी तो लगा हुआ है लेकिन टीवी चल नहीं रहा है, और दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूर से। यहाँ पे देखिए क्या मज़ेदार मतलब लग रहा है, कह नहीं सकते हैं आपको हम। दोस्तों देखिए मैं भी इसके अंदर में हूँ, पूरा मतलब अलग 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 फीलिंग कर रहा हूँ, मतलब कुछ अनुभव अलग हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, अलग फीलिंग, यहाँ का अलग ही मज़ा आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर
कितने सादगी से दिया गया, यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से चरखा चलाया जाता है, वो सब कुछ यहाँ मशीन लगाया गया हुआ है। तो चलिए एक बार हम शुरुआत करते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मज़ेदार वीडियो है। इस तरह की चीज़ आपको देखिए, इस तरह के ये खादी जो होता है, खादी से जो बनता था सामान उसका पूरा दिखाया गया है। ये चरखे प्रकार निर्माण वर्ष 1977 में चरखा बना था। दानकर्ता का नाम है श्री प्रीतम धीमान, स्थान पंजाब। ये चरखा जो है ये भी एक अलग चरखा है, देख रहे हैं, इस चरखा की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो चरखा आप देख रहे हैं ये बना है, चरखे का प्रकार जो है वो बारदोली चरखा है। अब ये निर्माण हुआ है वर्ष 1912 में और दानकर्ता का जो नाम है वो श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल जी हैं। स्थान उन्होंने उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। तो ये 1912 का चरखा है। अब ये जो चरखा है इसे बोलते हैं पंखुड़ी चरखा, और पंखुड़ी चरखा जो है निर्माण किया गया है 1937 में, बता रहे हैं। दानकर्ता का नाम है श्रीमती निर्मला देवी, स्थान है हरियाणा। बहुत सुंदर पंजाबी चरखा इस तरह का है। देखिए गांधी जी का 3 स्वरूप, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो। पुस्तक चरखा, अलग अलग चरखा यहाँ पर हैं, ये देख रहे हैं। इसे बोलते हैं, इस चरखे को बोलते हैं वारवेली चरखा। वारवेली चरखा ये 1949 में श्री करण सिंह द्वारा दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये सब दानकर्ता हैं। ये जो है इसे बोलते हैं पंखुड़ी चरखा, ये 1947 में दिए हैं श्री रघुवीर सैनी जी दिए हुए हैं। खादी फॉर मेक इन इंडिया के बारे में बताया, जो हम लोग खादी पहने, खादी की तरफ हम लोग का झुका होना चाहिए। किसान चरखा स्पॉन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 18 अक्टूबर 2016 एट लुधियाना पंजाब एट KVIC फंक्शन। इस किसान चरखे से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना पंजाब के KDIC के कार्यक्रम में काटा गया। अच्छा, मतलब मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी इस चरखे से किए थे 2016 में, उन्होंने खुद इसको उपयोग किए हैं। वाह, बहुत सुंदर। इसी तरह से बारबरी चरखा है, ये 1945 में जान दिए श्रीमती सुनीता वाड़िया। ये चरखा को बोला जाता है पंचमुखी। देखिए पंखुड़ी चरखा, मैंने बताया पंखुड़ी चरखा अलग अलग है। पंखुड़ी, ये पंखुड़ी जिसपे हैंडल है, पंखुड़ी सब चरखा हो गया। और इसके बाद यहाँ पर बंगेश्वरी चरखा, देखिए सामने बंगेश्वरी चरखा है। चरखे का प्रकार बाजू, ये बंजू चरखा है, बंजू चरखा, बारबली चरखा। और इसके बाद ये है दो तकुआ बारबली चरखा। यहाँ पे चश्मा है, गांधी जी स्वयं भी बरवा जेल में चरखे के तकनीकी के विकास का प्रयास करते हुए और आसानी से ले जा रहे योग पेटी चरखे का आविष्कार में, क्या लिखा है समझ नहीं आया पूरा। यहाँ पे कुछ खड़ों रखा गया है, कुछ चश्मा है, यहाँ पर काफ़ी सारे चरखे हैं। खासकर ज़्यादा मैंने देखा वो बारबली चरखा, और उसके बाद दो तकवा बरदोली चरखा, उसके बाद मैंने देखा बारदोली चरखा, उसके बाद देखा मैंने कंजू चरखा, फिर सामने है बंगेश्वरी चरखा, और ये लालटेन जिस समय में ये, मतलब आप थोड़ा सा आपको ये लगेगा जी, मतलब एक समय था, ये देखिए बांस का चरखा। मतलब बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ आए, शांति का अनुभव लें, और यहाँ पे से दर्शाया भी जाता है, लेकिन अभी से दर्शाया नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, और इस तरह से आप यहाँ पे आके अपना भी अनुभव ले सकते हैं। दिल्ली आएँ तो ज़रूर इस एरिया में आएँ। इसे बोलते हैं हम, ये आपका पालिका बाज़ार के अंदर में आता है, और पालिका बाज़ार के अंदर में इसे जो हम कहते हैं, इस म्यूजियम को वो कहते हैं हम इसे हेरिटेज चरखा म्यूजियम, जो कि ओपोजिट है चरखा खादी भंडार आउटलेट के सामने कनॉट प्लेस में, पालिका बाज़ार के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इस वीडियो को तो जरूर करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जब ऐसे ऐसे जगह पहुँच के आप लोगों को मैं एंजॉय करवा रहा हूँ।